हेलो फ्रेंड्स, पायल आईएएस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है। तुंगनाथ मंदिर पर्वत पर स्थित है। तुंगनाथ मंदिर जो 3460 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है तथा यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर बना मंदिर है। यह मंदिर 1000 वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ भगवान शिव की पंच केदारों में से एक के रूप में पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट थे। तुंगनाथ की चोटी तीन धाराओं का स्रोत है जिनसे अक्षकामिनी नदी बनती है। मंदिर चोपता से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि पार्वती माता ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ विवाह से पहले तपस्या की थी। आइए देखते हैं इसका इतिहास। तुंगनाथ मंदिर के बारे में यह माना जाता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया था, जो कि कुरुक्षेत्र में बड़े पैमाने पर रक्तपात से नाराज थे। इस मंदिर का निर्माण का श्रेय अर्जुन को जाता है, जो पांडव बंधुओं के तीसरे भाई थे। अर्जुन ने गंगा गृह या पवित्र स्थान में स्थित भगवान की शस्त्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली लिंगम मंडल के साथ मंदिर का निर्माण किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान राम ने जब रावण का वध किया तब स्वयं को ब्रह्म हत्या के साप से मुक्त करने के लिए उन्होंने यहां भगवान शिव की तपस्या की, तभी से इस स्थान का नाम चंद्रशिला भी प्रसिद्ध हो गया। आइए देखते हैं पर्यटन की दृष्टि से। 12 से 14 हजार फुट की ऊंचाई पर बसा ये क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। जनवरी फरवरी के महीनों में आमतौर पर बर्फ की चादर ओढ़े इस स्थान की सुंदरता जुलाई अगस्त के महीनों में देखते ही बनती है। इन महीनों में यहाँ मीलों तक फैले मखमली घास के मैदान और उनमें खिले फूलों की सुंदरता देखने योग्य होती है। इसीलिए अनुभवी पर्यटक इसकी तुलना स्विट्जरलैंड से करने में भी नहीं हिचकते। सबसे विशेष बात यह है कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र में यह अकेला क्षेत्र है जहां बस द्वारा बुगियालों की दुनिया में सीधे प्रवेश किया जा सकता है। यानी यह असाधारण क्षेत्र श्रद्धालुओं और पर्यटकों को की साधारण पहुँच में है। आइए देखते हैं कब और कैसे पहुंच सकते हैं। मई से नवंबर तक यहां की यात्रा की जा सकती है। हालांकि यात्रा बाकी समय में भी की जा सकती है, लेकिन बर्फ गिरी होने के कारण से वाहन की यात्रा कम और पैदल यात्रा अधिक होती है। जनवरी व फरवरी के महीने में भी यहां की बर्फ की मजा लेने जाया जा सकता है। दो रास्तों में से किसी भी एक से यहाँ पहुँचा जा सकता है। ऋषिकेश से गोपेश्वर होकर, ऋषिकेश से गोपेश्वर की दूरी 212 किलोमीटर है और फिर गोपेश्वर से चोपता 40 किलोमीटर और आगे है, जो कि सड़क मार्ग से जुड़ा है। ऋषिकेश से उखीमठ होकर, ऋषिकेश से उखीमठ की दूरी 176 किलोमीटर है और फिर उखीमठ से आगे चोपता 24 किलोमीटर है, जो कि सड़क मार्ग से। आइए देखते हैं आवासीय सुविधाएं। गोपेश्वर और उखीमठ दोनों स्थानों पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के विश्राम गृह हैं। इसके अलावा प्राइवेट होटल, लॉज, धर्मशालाएं भी हैं, जो सुगमता से मिल जाती हैं। चोपता में भी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहां पर स्थानीय लोगों की दुकानें हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।